मतलब कि आम करते हैं कि पुरानी की वजह से कि इमाम के साथ जब भी हमने कदम में आना है अल्लाह अकबर कहना है या नमाज हमने पढ़े तो इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हम अल्लाह अकबर कब कहना है। इमाम की कदम जब आप उठते हैं सुनने से लिख रहे हैं कि हम अगर सही आते हैं आपको पूछा है आप आगे तो कुछ रुपा आपको नहीं लगती है हकीकी व्यक्तिगत और सामने होनी चाहिए और ये आपके प्रोग्राम में है इमाम की अल्लाह अकबर आप माता होते हैं क्योंकि आपकी अकीर उंगलियाँ जो है ये कलाई के ऊपर होनी चाहिए छोटे उंगले नीचे पर ना बेहाल पाऊंगा बेहाल पाऊंगा जब इमाम कहें कि अल्लाह अकबर अकबर की जो राह है जब वो खत्म करे आपसे फिर कहने अल्लाह अकबर हमसे अक्सर बंदी फांसी होती है इमाम साहब हम अल्लाह अकबर कह रहे होते हैं हम शुरू के साथ और इसका पता चलता है कि जब हम सभी मुकम्मल बनते हैं मिसाल के तौर पर नमाज की तादाद में लोग ज़्यादा आ गए लाइट नहीं थी तो पीछे किसी साथी को हमने कहा कि आप मुकम्मल बन जाए जब वो साथी मुकम्मल बन जाता है ये गुण जब वो साथी मुकम्मल बन जाता है अब इमाम सब कह रहे हैं अल्लाह अकबर अरे अल्लाह अकबर शुरू करते हैं वो भी शुरू कर देते हैं अगर कभी आप गौर करें मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में मुकब्बिल होते हैं पेशे आप उम्रे के सामने पे जाते हैं वैसे टेलीविजन पे आप सुनते हैं आप देखते हैं इमाम जब मुकम्मल कंप्लीट कर लेते हैं अल्लाह अकबर मुकब्बिल बाद में कहते हैं कभी भी आप पीछे अपनी नमाज की सलाह के लिए जब इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर अपने बाद में कहना अल्लाह अकबर इमाम समी अल्लाह के मनामी का खत्म करे फिर आपने कहना रब का नाम रब का नाम का तो ये है वो तरीका एक तजाम ये नहीं कि जब इमाम को बाद में ऐसा होता है कि बैठे हम देख रहे हैं इमाम खड़ा होने लगता है इमाम से पहले खड़े हो जाते हैं इमाम सजदे में जाने लगता है मिसाल देता हूँ इमाम ज़ईफ है उम्र रसीदा है आप यंग हैं नौजवान हैं आप उठने में भी जल्दी करते हैं बैठने में भी जल्दी करते हैं हालांकि हदीस पाक में है नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब कोई इमाम से बहस करता है जानबूझकर तो उसकी सजा यह है कि उसकी शक्ल कयामत पर बिगड़ जाएगी यह दुनिया में या कयामत पर जान बोझ कर बहुत बड़े इमाम बहुत ही सुन रहे हैं वो फरमाते हैं जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये कैसे हो सकता है मतलब हदीस में यकीन नहीं आ रहा था तो मैंने जान बोझ कर ऐसा किया था उनकी शक्ल चेहरा बिगड़ गए अक्सर वो बिश्ते चेहरे पर कपड़ा डालकर मुँह छुपा कर पढ़ाते कुछ हुज्जत वाले स्टूडेंट थे उन्होंने कहा इतना सब गया आपसे पढ़ते हुए इल्म का फैज हासिल करते हुए इल्म के नूर से आप हमें मुनव्वर कर रहे हैं लेकिन चेहरा नहीं दिखाया तो फिर फरमाया कि बेटा तो मेरा चेहरा ना ही देखो तो अच्छा है क्योंकि मुझे इस गुनाह की सजा मिली है मैंने जान बूझ कर ऐसा किया ये तो रुख मुस्तफ़ा का सदका है कि अल्लाह ताला हमारे ऐबों को पर्दे डाल के हमारे इस तरह की खताओं को दरगुजर फरमा दे इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हम जब भी इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो हम उस वक्त इस कैफियत व हालत में पढ़ें कि उसकी इब्तदा को लाजिम रखें उसके साथ ख्याल रखें उसके साथ साथ चले कुछ लोग होते हैं आप देखा करें कि इमाम साहब रकू में गए तस्बीह बड़ी तीन बार की सुभान रब्बियल अजीम सुभान रब्बियल अजीम सुभान रब्बियल अजीम इमाम साहब ने कहते हैं सभी अल्लाह अकबर अभी भी वो रकू में खड़े हैं रब की तस्बीह पढ़ रहे हैं अब इमाम साहब सजदे में चले गए अल्लाहु अकबर अब हम कहेंगे सब अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह जहां इब्तिदा टूट जाए वहां नमाज टूट जाती है इब्तिदा इमाम के पीछे लाजिम है और जब आप इमाम के पीछे खड़े होते हैं तो तब आपने सिर्फ अगर शुरू में नियत बांध ली है तो तिलावत में सिर्फ सना पढ़ेंगे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक उसके बाद खामोश
अगर आपने उस वक्त नियत करनी होती है, कुछ लोग होते हैं कि जुबान से नियत करते हैं, नियत कर तो मैं नमाज की नमाज पढ़ता हूँ आज क्या अल्लाह के दो रकात नमाज फर्ज वक्त फज्र मुंह तरफ की रसी बच के अल्लाह ताला की पीछे से इमाम की अल्लाहु अकबर इतने में इमाम सना पढ़ लेता है। नियत मुस्तहब है, सना पढ़ना सुन्नत है। असल आपकी नियत वो है जो आप घर से करके चले हैं। तो कहा है उलमा ने लिखा है, हम जुबान से नियत करते हैं, नियत कर दो मैं नमाज की नमाज पढ़ूं, ये सब मुस्तहब बने। और पूरी दुनिया में आज तक किसी ने इस नियत पे चैलेंज नहीं किया कि ये मुस्तहब है इसको छोड़ दे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सुन्नतें हैं उस पर चैलेंज है, लोगों के हदीस से सही बताएंगे बहुत सारे और चीजें, लेकिन जो चीजें इस तरह की हैं उनको वो छोड़ देते हैं। कुछ भी नहीं चाहिए, हमें किसी से इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ मसाइल से बाहर तर होकर जब दीन सीख लो तो शायद आपको जहां भी जाना पड़े एक हदीस सीखने के लिए साहब अकरम ने मुसलमान कई कई मील पैदल सफर कर से कई कई दिनों का एक तड़प होती थी, जज्बा होता था कि हमने ये हदीस सीखनी है, ये दीन की बात सीखनी है। आज तो हमें घर में बैठे बिठाए बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं और हमारे पास बैठ कर सीखने का वक्त नहीं होता। मुझे सुबह दिली तौर पर खुशी हुई, मैं कुछ आमद नहीं कर रहा, मैं समझता था कि शायद हम ये मसाइल जो आपको बताते हैं और नमाजी बोझ समझते हैं, ये समझते हैं कि यार बस हर वक्त ही हंसे बयान हो जाए, फर्ज तो फर्ज है, वो तो फर्ज है, उसने पढ़ना है। सिर्फ फर्ज के बाद वो नफली बात करता है, अकेले छुप कर फर्ज के सामने जवाब में आकर लोगों को भी पता है कहीं दिल में मलाल आ जाए, बड़ा नमाजी मुंह पे पढ़ दिया जाए। लेकिन फरमाया कि जब वो नफली बात करता है ना रात को छुप कर रहते हैं तो घर में कोई नहीं देख रहा। और मैं सही मुस्लिम की रिवायत पढ़ रहा था, हुजूर ने सलात अस्सलाम में इशारा फरमाया जब मियां बीवी दोनों उठे, शोहर बीवी को उठाए या बीवी शोहर को उठाए, जब वो उठा रहे होते हैं अल्लाह के बारिश के पर्दे हटा के वो लोग को फरमाता है, फरिश्तों को फरमाता है, जरा जमीन पे देखो इसे मंजर क्या है। सिर्फ नमाज के लिए उठाने का इतना सवाब अदा फरमाता है करीब कि आपकी उम्र भी सोच नहीं सो। पर मैं जब उठते हैं उठकर पानी के पास जाते हैं वजू बनाने के लिए, वजू के लिए जब हाथों को पानी लगाते हैं तो हाथों को पानी मस करने के बाद छूने के बाद जमीन पे बार बार पहुंचता है अल्लाह करीम उनकी खताओं और गुनाहों को पहले माफ करना दो। सिर्फ यहाँ तक बात खत्म नहीं की, पर मैं तक तो मुसल्ले में आ जाते हो ज्यादा नहीं, हमने सिर्फ दो रकात नमाज तहज्जुद या कोई नफली इबादत समझ के आपने सिर्फ दो रकात अपने घर में रात के अंधेरे में मी और बी शोहर थोड़ा आगे बीवी थोड़ा पीछे पीछे दोनों ने नमाज नफिल दो रकात पढ़ी। अल्लाह करीम फरमाता है बाबू मुझे बताओ मैं हूँ देता हूँ फरिश्तों जी मौला और मैं तुम गवाह बन जाओ इस मर्द का कसरत से जो मेरा जिक्र करने वाले जाकिरीन है उन जाकिरीन का नाम लिख दो कि इसने भले दो रकातें पढ़ी हैं लेकिन मुझे पसंद बड़ी आई है, कसरत से जो जिक्र करने वाले जाकिर है उनने इस मेरे अल्लाह के प्यारे महबूब के इस गुलाम का नाम लिखना। और वो बीवी उसकी जो उसके साथ बैठी थी तो नगरी फरमाता है वो औरतें जो कसरत से मेरा जिक्र करती हैं जिनके अल्लाह सलाम भी भेजता है, पर मैं उन जाकिरीन औरतों में उस औरत का नाम भेजता हूँ। ये तो सिर्फ दो रकातें पड़ी हैं और हमने देख रहे हैं जिनकी जिंदगी सारी सारी रात अल्लाह की इबादत की इबादत की है। आप और मैं करवटें तो लेते रहते हैं, नींद नहीं आती, मेडिसिन खा लेते हैं सोने के लिए, हम टीवी को जीनत बना लेते हैं कि खबरें सुनते रहे, अगर ज्यादा भी हो तो हम उठे बाहर चौकों में चले गए होटल के पास बैठ गए तो सारी रात वहां बैठे रहेंगे, ये चौक में किसी दुकान के आगे काउंटर पे खड़े रहेंगे जिससे कुछ हासिल नहीं है। चौक पे किसी के साथ खड़े होकर गप्पे मार रहे हैं, किसी के साथ बैठ के फजूल चोर को दी गीबत, ये गुनाह कर रहा है, खुद नहीं कर रहा दूसरा कर रहा, सोच तो रहा है इससे कई लाख दर्जे बेहतर था कि तू अगर वुजू बना के मुसल्ले पे बैठ के कुछ भी ना कर रहा तस्बीहात करे के अल्लाह अल्लाह ही करता रहता तुझे 10 बार अल्लाह की तरफ से जवाब देता रहा, दुरूद पाक पढ़ता रहता अल्लाह की रहमतें
जेबी नबी से पूछा था कि बताओ तुम्हारे साथ सच्चाई का मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, कोई ऐसा काम जहाँ तेरी ताकत भी आज कर जाती। उसने कहा वो एक है वो जात मुस्तफा पे दुरूद व सलाम के फरिश्ते बरकात हैं। मैं सब कुछ गिन सकता हूँ, चांद में आसमान में तारे कितने, सितारे कितने, जरे कितने, पत्ते कितने, अल्लाह ने जितनी ताकत दी है। लेकिन जब कोई मोमिन खुलूस से दिल से नबी-ए-सलाम की जात पे दुरूद व सलाम पढ़ता है, अल्लाह की रहमत इतनी उस पर बरसती है, मैं उसे शुमार नहीं कर सकता। अगर मैं उस घर में मुसल्ले पे वुजू बनाकर अपने घर में बैठ के पढ़ता तो मेरे घर में रब की कितने रहमतें होती, आज ना उसने ना होती, आज मेरे बच्चे ना फरमान ना होते। बच्चे जवान होते हैं, माँ बाप तरसते हैं कि कभी आके करीब बैठ के हाथ तो पूछ ले। मैं से तो बड़ा दुआ है हमारे फिर होंगे सुनत ने दाड़ी भी रख लेंगे टोपियों भी पहन लेंगे और माँ बाप से हाथ तक ना पूछे क्या कर रहे हैं। उस नमाज पढ़ने वाले नमाजी का अपने आप को बोल के कहते हैं कि मैं बड़ा आलिम हाजिर हूँ और अपने बाप से सीधे वो बात नहीं कर रहा, कोई फायदा नहीं है। नमाज हुई है जिनके हिदायत की तरफ ले आए, इन मसलात तन्हा अन फहशाई वल मुनकर वल जिक्रुल्लाह अकबर। अल्लाह की बंदगी अगर की है, सजदे की है, तो वो तुझे राह-ए-रास्त पे आएगी, वो तुझे गलत कामों से रोकेगी। दस दिन हम इत्तेकाफ में बैठता है, जवानों को देखता है, दस दिन को अल्लाह का करते हैं और ईद की रात पूछते हैं तो उनकी रातें कहाँ गुजरती हैं। ये जवान हमारी बाजार की जीनत बन के रहते हैं, शैतान आ जाता है। हालांकि ये रात को मांगने की रात होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मजदूर मजदूरी करने के बाद खड़ा होता है खुश होता है कि मुझे अभी मेरी मेहनत की उजरत मिली है। अल्लाह करीम उसे उस वक्त देख रहा होता है कि कितना खुश हो रहा है। पर मैं मेरे बंदे तूने पूरा महीना मेहनत की, रोजे रखे, नमाज तरावी, सदकात खैरात, आज मांगने के लाल है, आज हम मांग ले हम तो मायल बकर में गुसाए नहीं है। अल्लाह ने प्लान किसी के लाल बन मांगने की रात दस से ऐसा काम बैठकर नौ दिन या दस दिन सुन्नत के मुताबिक बैठे और जो मांगने की रात थी वो भूल गई और असल वैसा होता सुबह फजर की नमाज भी नहीं पढ़ रहे होते, फिर बाद में तो गई ना नमाज। ये प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में नजर किस पे आता है ताकि हम अपनी बिगड़ी आदत को सही कर सकें। नमाज की पाबंदी हमेशा, ये नमाज मस्जिद हुई है, नमाजी हुई है, माता हुई है, रमजान मुबारक आता है तो हमारे नमाज पढ़ जाते हैं। किसी भी दुनिया की मस्जिद में चले जाए रमजान जाता है नमाजी चले जाते हैं। क्यों? किसी गैर मुस्लिम ने विजिट किया ना पाकिस्तान में की बात है, उसने रिसाला लिखा, गैर रमजान में भी आया रमजान में भी आया तो उसने लिख दिया कि गैर मुसलमानों का तुम्हारा खुदा रमजान में होता है, गैर रमजान में तो तुम इतने नहीं आते। हम उसको जवाब दे सकते गैर रमजान में भी अपनी मस्जिद को इसी तरह आबाद करते तो उसको कहते कि आ देख हमारा खुदा वो है तुम्हारा रब है, हर घड़ी हर आन हमारे साथ है। मैं हबले मरीद जो हमारे शहर से भी ज्यादा करीब है, तो इसीलिए खुदा की बारगाह में हमेशा बंदगी की रियायत करो। वो खुदा हमसे इतना प्यार करता है, ईमान से बताए हम सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। वो सऊदी अरब के किसी शहर की बात है, बाबा का 60 साल के 65 साल उम्र थी, बीमार हो गया तो जिंदगी तो ये थी दोस्तों जिसको हमने छोड़ दिया। अगर काश हम ये जिंदगी गुजारते तो हमारे लिए बहुत सारे फायदे होते। चंद एक सवाल आप नमाज के वाले से अगर पूछना चाहें तो आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी नमाज के वाले से आपको पहले नमाज कसर के बारे में बताएं। नमाज कसर हमेशा याद रखा करें कि जब आप सफर में जाते हैं और आपका सफर 90 किलोमीटर से ज्यादा 60 मील से ज्यादा का होता है, आपने यहाँ से इरादा किया कि मैंने सही बात जाना है तो लिहाजा आप नियत करके यहाँ से घर से जब आप निकल पड़े हैं आप साफ रहे रास्ते में अगर आपको कोई नमाज मिली जोर की नमाज का वक्त हो गया है तो आपने जहाँ भी नमाज पढ़नी है चार फर्ज की बजाय आपने दो फर्ज पढ़ना। कितने फर्ज? जिस तरह आप फजर को दो पढ़ते हैं इसी तरह दो फर्ज पढ़ेंगे। हाँ अगर आपके पास कार्ड है सोना आप पढ़ सकते हैं, पहली चार मिनट भी पढ़ सकते हैं,
बात वाली चार दो और दो दफे भी अगर आप ना पढ़ना चाहें कोई हर्ज नहीं, आप ना पढ़े। फर्ज अगर आप चार खुद अकेले में पढ़ना चाहें, जान कुछ कर तो आपकी आवाज नहीं होगी। हाँ, अगर आप गलती से भूल कर, आपको पता नहीं था, इरादा था दो पढ़ूंगा लेकिन भूल कर आपने चार पढ़ ली, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी दो कसर और दो दफे बन जाएगा। आप किसी मस्जिद में गए जमात हो रही थी, आप उस इमाम के पीछे जब पढ़ेंगे तो फिर आप चार पढ़ेंगे, जितना इमाम पढ़ेगा आपके फिर उसमें भी आपके दो फर्ज और दो नफे बन जाएंगे। अकेले जब आप पढ़ेंगे तो वो नमाज आपकी दो रकात, आप घर लौट रहे नहीं पढ़ेंगे, आप उसके लिए कजा भी करेंगे तो दो रकात फर्ज आप कजा के तौर पर उठाएंगे। जितनी नमाजें कजा हुई हैं हम उसको इसी तरह अदा करेंगे। और मगरिब की, मगरिब की नमाज जहाँ कसर हो उसमें भी तीन रकातें हैं, तो मगरिब की दो नहीं हो सकती। नमाज मगरिब आप जब भी पढ़ेंगे जहाँ भी पढ़ेंगे वो मुकम्मल तीन रकातें ही पढ़ेंगे। जोहर और असर की नमाज जमा करने का जो मसला है हमेशा याद रखा करें, हज के मौके पे हुज्जाज जब वहाँ जाते हैं तो ये नमाज में इकट्ठी करते हैं, तो बहुत सारे अहबाब ये सवाल करते हैं कि क्या अगर आप किसी जगह पे ऐसा करें। हाँ, उसका ये मसला है कि आप जा रहे हैं सफर पे, हैं जोहर का आखिरी वक्त और असर का पहला वक्त, ये जोहर का वक्त जा रहा है असर का वक्त आ रहा है, तो आपने जोहर के बाद उस टाइम पढ़िए जाते हुए आते हुए, अब उसके बाद आपने थोड़ी देर तस्वीर पढ़ ली है, इतने असर का वक्त आ गया, अगर आपने पढ़ ली है तो इसको वो कहा ने उलमा ने जायज लिखा है। लेकिन फिर कहा कि जिस तरह आम लोग इस मसले को नहीं समझ सकते वो फिर आदत बना लेते हैं कि भाई ठीक है उधर सुबह दुकान पे बैठे हैं तो कोई उनकी घर में है तो जान बुझ के बैठे रह गए, अच्छा भी हम एक दीवार इकट्ठा कर लेंगे। इस चीज को सामने रखते हुए उलमा और फुकहा ने फरमाया कि अगर जोहर आप नमाज अपने अदा वक्त में पढ़ेंगे तो ज्यादा सवाब है, असर को भी आप अपने वक्त में पढ़ेंगे सवाब ज्यादा है, वरना जमा करना चाहें इस आखिरी वक्त उसका पहला वक्त जाया जाए कर सकते हैं। और कोई सवाल अगर आपने पूछना हो, अगर बहुत शर्मी करके पढ़ सकते हैं सफर में, सफर में अगर है तो वहाँ वही हिसाब कि इस आखिरी वक्त उसका पहला वक्त है। इसका जो सफर का मैंने अभी बताया 60 मील और 90 किलोमीटर, आज तक किलोमीटर चलते हैं, 90 किलोमीटर से आपने ज्यादा सफर और नियत भी 15 दिन से अगर ज्यादा है आपकी, मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं लाहौर और आपने वहाँ 15 दिन से ज्यादा 16 दिन रहना है या 20 दिन रहना है, तो फिर आप दौरान सफर तो मुसाफिर हैं, जब लाहौर पहुंचेंगे तो आप मुसाफिर नहीं है, वहाँ पूरी नमाज पढ़ने वाले, भले आपको दूसरे दिन वापस भी आना पड़ जाए क्योंकि आपकी नीयत थी वहाँ 15-16 दिन रहने की, 20 दिन रहने की, तो इसलिए आप वहाँ जाकर पूरी पढ़ेंगे। जब आपकी नीयत थी वहाँ कि मैं पत्नी 2 दिन रहूँगा, 4 दिन रहूँगा या 10 दिन, फिर आप वहाँ गए और आप वहाँ जितने दिन भी रहेंगे तो नमाज असर होगी, भले दिन पढ़ते रहे 8 दिन रहना था फिर आपके और 8 पढ़ जाए फिर भी असर रहेगी। आबाई इलाका दूसरा सवाल होता है कि मेरा आबाई गाँव है, आप शिफ्ट हो गए लाहौर, आपका आबाई इलाका था मुल्तान, आप मुल्तान जब भी लौट कर आया करेंगे अपने आबाई शहर में अपने आबाई गाँव में तो आप मुसाफिर नहीं होंगे, वहाँ मुकीम होंगी, आप नमाज पूरी पढ़ेंगे। और कोई सवाल? रोजे में सफर की क्या लिमिट है? ये एक अहम सवाल है कि अक्सर कुरान मजीद के अल्फाज है ना, अय्याम मअदूदात फमन काना मिनकुम मरीदन अव अला सफर फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, कि अगर कोई शख्स मुसाफिर है तो वो अगर रोजा ना रखना चाहे बात करे, क्योंकि आजकल तो हर सफर भी हमारे आराम दे हैं, सफर के वो मसायल नहीं है, कुछ दौर में उस दौर में सफर होते थे पैदल या किसी सवारी पे चलते थे, मिसाल देता हूँ सफर की कोई लिमिट 60 मील मुसाफिर इंसान का पसंद है, जैसे जहाँ से नमाज कसर शुरू होगी 90 किलोमीटर सफर अगर करना है उसने तो वो मुसाफिर कहलाए, तो उससे कम है तो वो नहीं कहलाएगा, वो तो मुकीम ही है, जहाँ भी नमाज पढ़ेगा पूरी पढ़ेगा, मुकीम की पोजिशन है।
तो आज कल जिस तरह आराम से सफर यात्री गाड़ी है और आपके पास इसी भी होता है, आराम से सफर भी होते जहाँ रुपये पैसे जगह कोशिश करें रोजाना छोड़ें। और अगर कोई फिर भी चाहता है नहीं कि मैं नहीं रखना चाहता, बाद में रखूंगा, शरीयत में इजाजत है, दिल का हुदूदुल्लाह ये नसे करती है, लिहाजा हम उसमें उसको ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वो कहते हैं मैं लाहौर जा रहा हूँ, ये रोजे में बाद में रखना, उसको इख्तियार है। लेकिन अगर वो आज का सफर के अंदाज के मुताबिक रख ले तो उसके लिए बेहतर है, उनके नदी से बात जानता है। रमजान मुबारक की ईद और ईद रोजे के फूल मुबारक दिख रहे हैं कि गैर रमजान में अगर आप मुसलसल रोजे भी रखें ना, आपको इतना स्वभाव हासिल नहीं होगा जितना रमजान के एक रोजे रखने से हासिल होता है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आपके रब्बुल जलाल हमें इस तरह की महफिल सजाने और शरीयत में शौक शरी मसाइल को सीखने का जज्बा अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। कोशिश की दीन की समझ अता फरमा, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत भी इत्तिबा अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें रमजान मुबारक के रोजे से हिमाचत में रखने की तकलीफ अता फरमा, जो रख रहे हैं उनके रखना कबूल फरमा, वो किसी सबब नहीं रख सके आइंदा उन्हें रखने की तकलीफ अता फरमा। ऐ करीम रब हम सब के हाथ उठे अपनी बारगाह में कबूल फरमा, बीमार बैठे हैं सेहत अता फरमा, कर्जदार हैं तो कर्ज से निजात अता फरमा, और सबके बच्चों को देख बना सबके घरों में रहमत अता फरमा, जितने भी हमारे भाई सबके जो से प्यार करते हैं मोहब्बतें दुआएं देते हैं मौला दीन और दीन से प्यार करने वाले इन हुजूर की आशिकों की खैर फरमाए, जो दीन के जो इदारे हैं पहरेदार हैं जहाँ इफ्तिया करते हैं मौला सबकी हिफाजत फरमा, बद अजीज मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा, उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा, या अल्लाह या रहमान या रहीम, आमीन आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम, मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन।